हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, कमल की एक झील जहां कई प्रेमी अपनी प्रेमिका की झील सी आंखों में सुध-बुध खोकर विचरते हुए पाए जाते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, वेडिंग शूट और किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए अति उत्तम जगह, नयन और मन को सुखद एहसास देती है जगह जिसका नाम है लोटस लेक, या कहें कमल की एक बेहद खूबसूरत झील। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से। अगर आप लोटस लेक जाना चाहते हैं छुट्टी पर या किसी विशेष दिन पर, तो ये निम्नलिखित बातें अगर आप जान लें तो आपकी यात्रा और वहां का आपका अनुभव बेहद खुशनुमा, बहुत अच्छा रहेगा। पहली, ये कहाँ है? दूसरी, यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है? तीसरी, यहाँ पहुंचते समय वो गलतियां ना करें जो अक्सर टूरिस्ट या पर्यटक लोग वहाँ पहुंचते समय करते हैं। चौथी, घोड़े पर बैठने, झूले पर झूलने के लिए कितना चार्ज देना होता है, क्या कीमत है उसकी, या कहें कि उसके कितने पैसे देने पड़ते हैं भैया। पांचवी, वहां के लोगों से हमारी खास बातचीत। छठवी और अंतिम, वहां जाकर आप क्या क्या कर सकते हैं जिसमें लोग लाज का खतरा ना हो, या कहें कि वहां जाकर आप ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसकी इजाजत आपको ये आपका समाज देता है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से। और ये हम निकल पड़े हैं इंदौर के विजयनगर से लोटस वैली की ओर। ये जगह एयरपोर्ट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर और इंदौर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप सुपर कॉरिडोर से निकलते हैं, हाथोद की तरफ आपको राइट टर्न लेना है और बढ़ते चलिए लोटस वैली की ओर। एक सजेशन है आपको कि आप पूरी तरह गूगल मैप पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि कई बार आपको ये ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता है जहां से कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि लोगों से पूछते रहें बीच बीच में, ये वीडियो आपकी हेल्प करता रहेगा। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर पर आपको जाके हाथोद की तरफ बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको दिखाई देगा ये विशाल दरवाजा जिस पर लिखा होगा लोटस वैली गुलाबट। बस इस दरवाजे में प्रवेश कर जाइए। बढ़ते चलिए लोटस वैली की ओर। थोड़ी दूर जाने पर आपको राइट हैंड पर एक हनुमान मंदिर दिखाई देगा, वहां से अंदर मुड़ जाइए और बस कुछ ही दूरी पर आपको जाकर दिखाई देंगे ये कुछ इस तरह के झंडे। इसका मतलब आप लोटस वैली पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आपका उस जगह पर जिसका नाम है लोटस वैली। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर का समय है, तो कमल पूरी तरह खिले नहीं है, क्योंकि कमल खिलने का जो समय है वो भोर का है यानी सुबह का है। अगर आप कमल को खिलते हुए देखना चाहते हैं, प्रफुल्लित कमल देखना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह आइएगा। ये जगह कुछ कुछ सुंदर वन की तरह दिखती है। आप देखेंगे कि जो पेड़ हैं यहाँ पर वो पूरी तरह जल में सराबोर हैं। और कमल की कुछ गलियां आप देख सकते हैं जो पूरी तरह खिली नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम और बहुत ही रमणीय दृश्य लोटस वैली के। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या क्या चीजें हैं। ये ब्रिज से लगभग 500 मीटर आगे चलने पर आप कुछ इस तरह से दृश्य दिखाई देते हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पर खाने का उचित प्रबंध नहीं है, ना ही पीने की उत्तम व्यवस्था। तो अगर आप शौकीन हैं खाने पीने के, तो अपना सामान अपने साथ रखिएगा। कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और देख सकते हैं ये प्रेमी जोड़ा किस तरह बाहों में बाहें डाल यहाँ के अद्भुत नजारों का लुत्फ उठा रहा है। और ये पार्किंग की जगह है जहां पर पहले से कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं, और देख सकते हैं यहां पर एक वेडिंग शूट भी चल रहा है। अगर आप भी अपना वेडिंग शूट कराना चाहते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो आप भी इस खूबसूरत जगह पर अपना वेडिंग शूट करा सकते हैं। ये देख
देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगे झूले प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में, जहाँ पर कुछ चार्ज देकर आप इनका उपभोग कर सकते हैं, इन पर झूल सकते हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। किसी भी चीज़ को छूने से पहले या उस पर बैठने से पहले वहाँ लोगों से पूछ लें, क्योंकि यहाँ हर चीज़ चार्जेबल है। यहाँ पर एक कपल बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। लेक के बीचों बीच एक जगह ऐसी बनाई हुई है जहाँ बैठकर आसपास का लुत्फ ले सकते हैं और कुछ लंच कर सकते हैं, शायद लंच या डिनर जो भी है। आइए इनसे पूछते हैं। हेलो सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र। जितेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए, तो ये जो जगह है, ये जो भी है रेडियो रखा हुआ है, और आपको चाहिए क्या, वाइन है या जस्ट ऐसे? वाइन नहीं है, जस्ट शोपीस है। अच्छा, शोपीस है। हाँ। तो ये आपने बुक किया हुआ है यहाँ पे? नहीं, बुक नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा है कि आप ऑन रेंट 30 रुपीज 40 रुपीज आप अच्छा। इस प्लेस को हायर कर सकते हैं फोटो सेशन के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, या वीडियोस बनाने के लिए, एक बर्थडे सेलिब्रेशन में खुद अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक वगैरह लाया, यहाँ केक कट किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है यहाँ का, इस वजह से यहाँ तक आए है। जी, आपको कैसा लगा यहाँ के, पहली बार आया? जी हाँ, पहली बार आया और बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया है लोकेशन। और ये जगह का रेफरेंस आपको कहाँ से मिला? ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो अच्छा। ये एग्जैक्ट ये प्लेस भी मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी कि ऐसा अपन हायर कर सकते हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ तक आया था कि मैं भी ऐसे ही कहीं जाके वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो आज बर्थडे है भाभी का? जी हाँ, हैप्पी बर्थडे आपको। और ये देख सकते हैं बच्चे के साथ ये परिवार एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ये एक भैया खड़े हुए हैं यहाँ पे, आइए जानते हैं इनसे इस जगह के बारे में। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश चौहान है। आकाश जी, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ। ये शोपीस है या इसमें घुमाते हैं आप? घुमाते हैं और प्री वेडिंग शूट भी करवाते हैं, शादी के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, हाँ। और ये जो भी झूले देख रहे हैं ये सब चार्जेबल रहते हैं? सब चार्जेबल। और ये यहाँ पे सबसे अच्छा समय कौन सा है अगर किसी को घूमना हो तो? यहाँ पे सबसे अच्छा समय ठंड के टाइम पे है, दीपावली बाद। दीपावली के बाद, हाँ, कमल भी बहुत सारे रहते हैं और घूमने का मजा भी। अगर हमें यहाँ पे कमल देखना हो तो कौन से समय पे आना चाहिए, दिन में? नवंबर, दिन में सुबह मॉर्निंग में कमल खिले हुए रहते हैं। कितने बजे से पहले आना चाहिए? इस बात पर जरा गौर कीजिए जो भाई साहब ने अभी अभी मेंशन किया है कि यहाँ अगर आपको कमल देखना है तो सुबह सुबह आइए। सुबह कितनी बजे भी आ सकते हो, 10 बजे तक कमल खिले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे भैया इस जगह के बारे में, यहाँ कब से हैं आप? मैं यहाँ तो बचपन से ही हूँ, लेकिन ये जगह 4 साल से फेमस हुई है। 4 साल से फेमस हुई? हाँ। अभी अभी फेमस हुई है? हाँ, अभी अभी। और यहाँ किस तरह से लोग आते हैं, किस किस चीज़ के लिए लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर चीज़ों के लिए लोग आते हैं, प्री वेडिंग के लिए ज़्यादातर बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट के लिए सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? हाँ। ठीक है भैया, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आकाश चौहान। थैंक यू भैया। ये घोड़े के साथ भैया खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतवंत सिंह भदौरिया। अच्छा, ये घोड़े पे आप घुमाते हैं यहाँ पे? जी। कितना दूर तक घुमाते हैं? इसका एक राउंड बना हुआ है भाई साहब, आधे ब्रिज से वाला ब्रिज और याले ब्रिज से वाला ब्रिज, ये दो राउंड बने हुए हैं इसके। अच्छा, तो 30 रुपये बच्चों के हैं, 50 रुपये बड़ों के हैं। 50 रुपये बड़ों के। और वेडिंग शूट कराना हो किसी? प्री वेडिंग शूट कराना है तो कपल जोड़े के साथ रहता है, तो उसके साथ बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो उनका सबका होलसेल कर लेते हैं। फोटो को 400 और ड्रोन वीडियो चलता है तो 500। अच्छा, तो ड्रोन वीडियो की परमिशन है यहाँ चलाने की? हाँ, अभी तक तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं हुआ है, पर अभी तक तो चल ही रहा है। और ये मैंने देखा भी, घोड़ी नींद ले रही थी, आंखें बंद कर रही थी, तो ये कैसे पता चलता है आपको ये सोने वाली है? 3 टांग पर खड़ी हो जाती है घोड़ी। अच्छा, 3 टांग पर खड़े हो जाती है? एक पाँव इसका ऊंचा कर लेते तो समझ लेना चाहिए कि आराम कर रही है। अच्छा जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री माता। तो ये दो घोड़ियाँ हैं यहाँ पर, एक की हम सवारी लेने जा रहे हैं, इनका नाम है बेबो, और ये जो शर्मा रही हैं इनका नाम है शिल्पा। शिल्पा क्यों शर्मा रही हो? चलिए, शिल्पा शर्मा रही हैं, तो हम चलते हैं बेबो के साथ। तो अब मैं जा रहा हूँ बेबो के साथ। ये बेबो, काम बेबो की लगाम मेरे हाथ में है, पर इंस्ट्रक्शन भैया देंगे।
ऐसे बैठना है मुझे? हाँ बैठो ना आप। ओए वो तो हम चलेंगे तो चलो आ जाओ घुड़सवारी सिखाते हैं क्या आप? दस दो चार पाँच बार बैठो आप ये जाओ। नहीं ये मतलब मेरे हिसाब से चले ऐसा कुछ। हाँ मैं बता दूँ मैं आता हूँ घूम के। आज मैंने थोड़ी सी घुड़सवारी भी सीखी। जैसा भैया ने बताया कि अगर इस लगाम को इस तरफ खींचे तो इस तरफ जाएगा और अगर मैं राइट हैंड पे खींचू तो राइट हैंड पे जाएगा। और जा रहा था क्या? हाँ, और अगर पैर मारता हूँ तो इसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। दोनों पैर हम ऐसे मारे स्पीड तेज हो जाती है और ऐसे खींच दो तो ये रुक जाता है। थोड़ी सी घुड़सवारी की टिप्स ये मैंने आपको दी। अगर आप घोड़े का नाम क्या है? इस घोड़े का नाम है बेबो। हाय बेबो। बेबो चलो आगे कैसे बढ़ेगी भैया? जो आगे कैसे बढ़ेगी? चलो अभी थोड़े से मैंने लगाम ढीली की। भाई हेलो, ये लगाम ढीली की तो आगे बढ़ी। ये देखिए ऐसे अगर छोड़ दूंगा तो आगे बढ़ती है, खींच रहे पे रुक जाएगी। थैंक यू बेबो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यहाँ आकर आप क्या कर सकते हैं। आप इस तरह से कुछ गिटार बजा सकते हैं, पीछे झूला है, कुछ थोड़ा सा चार्ज देकर आप उस झूले पर भी बैठ सकते हैं। आई है कि गर्मी बहुत है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी झूले पे हवा लगती है, तो इस हवा के साथ आप यहाँ की वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये गिटार बस देखने की है, ट्यून भी नहीं है, तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रखी हुई है। कुछ 10 रुपये इसका चार्ज है, 20 रुपये उसका चार्ज है, बाकी भैया आपसे ज़्यादा ले लें तो आपकी किस्मत की बात है। चलिए और आगे हम घूमते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाबालिग बालक और मनमौजी आदमी साइकिल लेकर घूम रहे हैं। आइए जानते हैं साइकिल पर घूमने का कितना चार्ज है और कितनी देर तक हम इस पे घूम सकते हैं। अब साइकिल की बारी है, घूम चले पैडल से। भाई तेल वेल सब बराबर है कि नहीं? चलो चला रहे हो? साइकिल तो बड़ी सही है लेकिन ब्रेक थोड़े कमजोर है। कुछ इस तरह दो पहियों पे चलती जीवन की गाड़ी भी। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? कितना पैसा हुआ? 40 रुपए। थैंक यू। ये लो, ये लोकेश हैं। आप जब कभी भी आए तो इनकी साइकिल पे जरूर घूमिएगा। यहाँ के नजारे तो बड़े सुंदर है लेकिन वो कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की नजरों में हो सकती है। हो सकता है ये जगह आपको बहुत सुंदर लगे या फिर बहुत पकाऊ, लेकिन टूरिज्म और टूरिस्ट की दृष्टि से इस जगह को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।